अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं स्टूडेंट आप सब। स्टूडेंट, आज वीकेंड एक्टिविटी के हवाले से मैं बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और ऐसी एक्टिविटी आप लेकर आपके सामने आई हूँ जिसको आप जिससे आप बहुत लुत्फानंदोज होंगे। और इसके साथ साथ आपकी, क्योंकि देखिए उर्दू जो लैंग्वेज है उसमें हमें बहुत ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो उनकी तख्लीकी जिसे लिखाई कहते हैं, यानी उनकी राइटिंग स्किल अच्छी हो। तो ये आपकी कोर्स से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी हमने कुछ अर्से पहले पढ़ा था सफ़रनामा, तो उस सफ़र, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी सफ़र होता है हमारे, हमने अपनी ज़िंदगी में किया होता है, तो जब हम उसका जिक्र कर रहे होते हैं या जब हम उसे लिख रहे होते हैं, इस तरह भी मैं आपको एक लिखने के लिए दूंगी, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और हम फिर अपने फ्लैश बैक में चले जाते हैं और हमारा मतलब आप कहें वो बहुत यादगार होते हैं वो लम्हात जो आपने ट्रैवलिंग के दौरान या सफर के दौरान जो है गुजारे होते हैं। तो हमारा सफरनामा था जिसकी डिस्क्रिप्शन में, यानी वजाहत में मैंने आपको ये बात बताई थी कि सफरनामा वो होता है कि जिसमें जब हम कोई सफर कर रहे होते हैं, टूरिस्ट कर रहा हो या एक आम बंदा कर रहा हो, अमूमन सयाह जो बहुत शौकीन होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जिसको जो दूसरे ममालिक जाना और वो इससे रिलेटेड चीजें जो है कलेक्शन करना, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सारी चीजें। तो आपको ये करना है कि आपने कुछ अरसे पहले, ऑब्वियसली 1 ईयर अगो या इससे कुछ अरसे पहले या इससे थोड़ा बाद में, जो भी आपने सफर किया है, कोई भी इंटरेस्टिंग सफर जो होगा उसको आपने एक कंप्यूटर पेपर पे लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी वो कैप्स अच्छी होंगी, वो कैप्स अच्छी होंगी तो यकीनन आप एक अच्छी मजमून निगारी कर सकते हैं, जिसका क्योंकि हमारी सिलेबस में इसका बार बार जिक्र है। एक मजमून निगारी है जिसके अंदर आपकी तकनीकी, आपकी राइटिंग स्किल हमें नजर आती है, हम असाज़ा आपकी राइटिंग स्किल्स को से वाकिफ होते हैं, ठीक है। तो आपका ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, यानी वोकैबलरी, ज़खीरा अल्फाज अच्छा होगा। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी सफ़र किया हो और आपको याद हो तो आप उससे रिलेटेड सारी, उससे मुतल्लिक आप सारी चीज़ें लिखेंगे। अगर आपके पास उसके हवाले से कुछ यादगार फोटोग्राफ्स हैं तो आप उसको भी अच्छी तरह से पेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो है वो सारा ऑलमोस्ट जो हमारी कोर्स आउटलाइन का सिलेबस जो कुछ भी है वो बिल्कुल वाइंड बिल्कुल यानी ख़त्म होने पे है। तो इंशाल्लाह फिर मैं ये चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी क्लास और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे कोई भी वो सफ़र जो आपने किया हो, नॉर्दर्न एरियाज हैं या यहाँ का भी कोई ऐसा सफ़र, तो वो बिल्कुल एज अ सफ़रनामा, ताकि मैं चाह रही हूँ कि आपका, मुझे आपकी राइटिंग स्किल जज करनी होगी और उसके उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आप उसको लिखेंगे और कंप्यूटर पेपर आप यूज़ कर लीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। हैव अ नाइस वीकेंड, जज़ाकअल्लाह।